हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। अब देखिए, आप लोगों का समय धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, अब रिजल्ट आने वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं कि बस आ ही जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन आपने जितनी भी की है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है, क्योंकि आप क्लासरूम में इंटर करोगे और आपके क्लास में ही जो आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी आपके अंदर कलाएं, वो आपको क्लासरूम में ही दिखाना रहेगा बच्चों के सामने, ताकि बच्चे जो हैं वो आपसे अच्छे से पढ़ सकें। और आप लोगों को जब अपनी डेमो टीचिंग देनी है तो वहाँ पे भी आपको क्लास को मेंटेन करते हुए ही आप कैसे पढ़ाएंगे, यही तो आपको देखना है, यही तो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स आपको देखेंगे। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला है वो ये है कि आप लोग क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा रखेंगे, है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को अगर पता है इसका आंसर, या आप लोग को कुछ भी लगता है कि आप लोग ऐसा एनवायरनमेंट रख सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये की पॉइंट्स हैं। आपको ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे ये नहीं रखा कि मे बी क्लासरूम एनवायरनमेंट, मे बी नहीं, यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट बताऊंगी शुड बी, ऐसा एनवायरनमेंट होना ही चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आप लोग कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं या रख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट, मैंने हेडिंग डाल दी, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, ताकि आप लोग अगर चाहें तो इसमें कुछ और भी शब्द को इंक्लूड करके, कुछ और भी चीज़ों को इंक्लूड करके इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकें। तो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट दिखाया मैंने कि उच्च सहभागिता और ध्यान केंद्रित। उच्च सहभागिता का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो उसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हों, सबका जो है उसमें इंटरेस्ट आए, सबका अटेंशन उसमें रहे, सबका ध्यान उसमें रहे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अगर हम लोग क्लास में करवा रहे हैं, और अगर उसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे बच्चे अपना अटेंशन को पे कर रहे हैं, सारे बच्चे अटेंटिव हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि बच्चे जो है वो पूरा अटेंटिव तरीके से ध्यान मग्न होकर हर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो ये रहा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना ही चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान जो रहे वो केंद्रित रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहभागी एवं सहयोगी, कोलैबोरेटिव एवं कोऑपरेशन, है ना, कि हम लोग के जो भी बच्चे हैं, जो भी क्लासरूम के बच्चे हैं, वो कोलैबोरेटिव होने चाहिए और कोऑपरेटिव होने चाहिए। सहभागिता और सहयोगी वाली करेक्टरिस्टिक जो है उनके अंदर होनी चाहिए कि वो एक दूसरे का सहयोग करके भी काम कर सके और खुद उसमें इन्वॉल्व होके अपना काम भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर बच्चों की व्यक्तिगत महत्व, यानी कि जो भी हम लोग का एनवायरनमेंट है अगर वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हर एक बच्चे पे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा, हर एक बच्चे पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और सकारात्मक क्लासरूम का मतलब यही है कि हर एक बच्चे पर एकदम इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से ध्यान देना, हर एक को एक मौका देना, ताकि हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो एकदम सकारात्मक बना रहे, पॉजिटिव बना रहे, ताकि हर एक बच्चे के अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज है, वो निखर के बाहर आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों के अन्वेषण और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। अन्वेषण मतलब आप लोग जानते होंगे कि खोज करना, है ना। तो बच्चे जो भी चीज अपनी खोज करना चाहे, अपनी लर्निंग को इनहेंस करना चाहे, बढ़ाना चाहे, और कुछ भी सीखना चाहे, तो इसके लिए उनके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम उनको मिलना चाहिए क्लासरूम में, ताकि वो अपनी जो भी चीजें सीखना चाहे, चाहे वो खोज के माध्यम से, चाहे वो किसी एक्टिविटी के माध्यम, उनको ये करने का मौका मिलना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए हम लोग का क्लासरूम। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी को आवश्यकता के अनुसार महत्व देना, ना कि रंग रूप पर। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने क्लास में किसी के चेहरे पर, किसी के रंग के, किसी के रूप पे जाके नहीं हम उसको अधिक मौका देंगे कि हाँ बेटा तुम बहुत सुंदर हो, तो आओ तुमको हम 4 times चांस देंगे, और जो बेटा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, उसका चेहरा अच्छा नहीं, उसको हम लोग सिर्फ एक ही बार चांस दें, या फिर उसको डांटे पीटे, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चाहे वो बच्चा कैसा भी है, हम लोग उसके अंदर की क्वालिटी को देख के उसको एकदम सुनहरा मौका देना चाहिए हम लोग को। हर एक के अंदर जो क्वालिटी है उसको हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि किसी के रंग रूप पे जाके हम लोग को उसको महत्व देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटीज क्लास में करवा रहे हैं वो बच्चे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें वो जो प्रोसेस है, जिस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर अच्छे से हम लोग को फोकस करना चाहिए, न कि इस बात पर कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, बच्चे सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। आपको पूरे प्रोसेस पे एक अच्छे तरीके से फोकस करना है, और जो उसका प्रोडक्ट होगा उस पर बाद में आपको अपनी चीज़ों को अप्लाई करना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सुगम एवं मुक्त होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो फ्री होना चाहिए, उसमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे को अपनी बात को कहने का मौका मिलना चाहिए, और जो टीचर हैं, जो क्लासरूम में टीचर प्रेजेंट है, उनके अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों की हर एक बात को सुने, किसी को भी बिना किसी वजह के डांटे ना, कुछ भी गलत शब्द ना बोले, और जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसको हमेशा के लिए फ्री रखे, ताकि बच्चे कभी भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करे, कभी भी अपनी बात को कहने में वो डरे ना। तो ये रहा हम लोग के क्लासरूम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कैसा रख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोग को ये पॉइंट्स पसंद आए हो, अच्छे लगे हों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।